الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سؤال محترم تبيت تعاتب लेकिन बहरहाल मैं भी बैठा हूँ आप भी बैठे हैं तो कुछ दिन की बातें पेश कर देते हैं अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल फरमाए अमल की तौफीक नसीब ये दूर दूर बैठे हैं आगे आ जाओ करीब करीब बैठो काफ़ी जगह है आगे आ जाओ नहीं आप लोग बराबर हैं आप वो जो पीछे बैठे आप बराबर मुबारक में मीरास के ताल्लुक से विरासत के ताल्लुक से कुछ बातें कहना शुरू की थी ये मज़मून हमने शुरू किया था दरमियान में कुछ बातें ज़कवात के ताल्लुक से आ गई वो मौजू भी अभी तिश् और अधूरा है वो इंशाल्लाह अगली मजलिस में मगर आज कुछ बातें मीराश और विरासत के ताल्लुक़ ही से आपकी खिदमत में पेश करनी है एक साहिब कह रहे थे मुझसे कि मौल साहब लोगों सदका ने ज़क़ात ना मसला तो वो पूछे पर विरासत ना मसला कोई नहीं पूछे तो कहीं कारण है ઇલ્લા માશાલના દરેક જગ્યાએ લાગે તો કે દરેક કોઈને કોઈનું કંઈને કંઈ દબાવીને જ બેઠલા હે તો કે દરેકે દરેક માણસ કોઈનું મીરાશ ને વિરાસતનો માલ કંઈને કંઈ દબાઈને જ બેઠલો છે એટલે કોઈ એમ કે મીરાશ ને વિરાસતનો મસલો પૂછે જ નહીં બધા જકાત સદકા ફિતરાના જ મસલા પૂછે એમ અલ્લાહ કરે કે હંમેશા કોઈ એસા ન और अल्लाह ताला इससे मेरी आपकी तमाम अहिल ईमान की हिफाजत फरमान वैसे कुछ न कुछ तो सच्चाई है और ख़ास तौर से जो यूके में बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में क्या हाल हुआ जिनकी ज़मीन जायदाद माल व दौलत वहाँ था बहरहाल नाहक मीरास का माल न खाना नाहक मीरास का माल न खाना है पास एक दिन खुदा के जाना नाहक मीरास का माल न खाना है पास एक दिन खुदा के जाना है मीरास खुदाई तकसीम है मीरास खुदाई तकसीम ये मीरास कोई <Dodge sanitina> माँ बाप की तकसीम नहीं है कि माँ बाप कह के गए तो देना है नहीं ये खुदाई तकसीम है अल्लाह ताला ने कितनी ताक़ीद बयान फरमाई मीराश के ताल्लुक से फ़रमाया कि तिल का हदूदुल्ला कहीं पे फरमाया नसीबम मफरूदा और उसकी अदायगी पर जन्नत की बशारत और कोताही पर जहन्नम में जाने का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला जो लोग सही तकसीम नहीं करते माल की मीराश की तो उनके लिए जहन्नम की वाइट सुनाई गई तो ये कोई माँ बाप की तरफ से तकसीम नहीं है बल्कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाप यूँ कह कर जाए कि मेरी मीरास के माल में से मेरे तरके में से फला एक बेटे को कुछ न दिया जाए क्यों क्योंकि वो मेरा नाफ़रमान था वो मुझे देखने भी नहीं आता था मिलने भी नहीं आता था फ़ोन से भी बात नहीं करता था ठीक है वो गुनहगार है अल्लाह ताला का और बाप का भी गुनहगार है लेकिन उसे उसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी और अल्लाह ताला चाहेगा तो दुनिया में भी दे सकता है लेकिन चूंकि ये खुदाई तकसीम है मीराश और विरासत ये खुदाई तकसीम है इसलिए इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं चलता इसलिए उस बेटे को भी कि जिसके मुतालिक बाप स्टेम पेपर पर जो हैं वो पूरा मजमून लिख कर गया है कि उसको मेरे मरने के बाद कुछ न दिया जाए तब भी उसे मिलेगा क्यों मिलेगा ये माँ बाप की तकसीम नहीं है बल्कि बोलो खुदाई तकसीम है अल्लाह ताला की तकसीम है इसलिए मिलेगा तो है मीरास खुदाई तकसीम न करना अदायगी में सुस्ती ए दाना दाना यानी अक्ल दाना ये फारसी का लफ्ज़ है दाना का माना होता है देना सब वारिसीन को उनका हक़ देना सब वारिसीन को उनका हक़ न करना उस पे कब्ज़ा ज़ालिमाना न करना उस पे कब्ज़ा ज़ालिमाना होता क्या है आम तौर पर कि जो लड़का माँ बाप के साथ रहता हो या जो माँ बाप के बाप के साथ बिजनेस में शरीक हो तो उसका ही कब्ज़ा होता है आधा कब्ज़ा तो बाप की हयात ही में तो अब वो बहुत टाल मटोल करता है देने में तो बहरहाल दुनिया से सब को खाली हाथ ही है जाना दुनिया से सब को ख़ाली हाथ ही है जाना सब कुछ कमाया यहीं है रह जाना सब कुछ कमाया यहीं है रह जाना माल नहीं साथ किसी के भी जाना माल नहीं साथ किसी के भी जाना सिकंदर को भी पड़ा है दुनिया से खाली हाथ जाना हैं सिकंदर को भी पड़ा है दुनिया से खाली हाथ जाना सिकंदर जिसको क्या कहा जाता है फातिह आज़म सिकंदर का लकब क्या है फातिह आज़म के उसने एक दुनिया को फ़तह किया मालो जायदाद की उसके पास कोई कमी ही नहीं थी लेकिन मलमा लिखते हैं कि मौत से पहले उसने वसीयत की मौत से पहले उसने क्या वसीयत की वसीयत उसने ये की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दोनों हाथ जो जनाजा है जो चारपाई है जिस पे मैत को रखा जाता है इंतकाल के बाद तो जनाजे के अंदर से मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना आम तौर पर हम क्या करते हैं इंतकाल हो जाता है किसी का तो हाथ कहाँ रख देते इधर देखो यहाँ और ऐसा कर भी देना चाहिए जैसे ही किसी का इंतकाल हो फौरन क्या करो हाथ उसके सीधे कर दो और इस तरह रख दो उसको वरना फिर मुश्किल होगा बाद तो सिकंदर ने यह वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं और मुझे रख दिया जाए तख्ते पर तो उस चारपाई से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और इसी हाल में मुझे मरने के मकाम से लेकर मेरे आखिरी मकाम क़ब्र तक ले जाना किसी ने उसकी वजह पूछी सबब पूछा रीज़न पूछा कि ए फाति आज़म आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मरने के बाद आपके दोनों हाथ जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाए तो उसने जवाब ये दिया कि मैं दुनिया वाले दुनिया वालों को एक सबक देना चाहता हूँ एक नसीहत देना चाहता हूँ एक पाठ सिखाना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी कि जिसका लक़ब फातिह आजम है जिसने एक दुनिया को फतह किया लेकिन जब वो भी दुनिया से गया तो खाली हाथ गया वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया आदमी ले जाएगा तो आमान ले जाएगा अच्छे है तो अच्छे और बुरे है तो बुरे वरना आदमी साथ में कुछ नहीं ले जाता तो सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया वालों को ये सबक देना चाहता हूँ कि दुनिया भर की दौलत कमा लो और मुल्क के मुल्क तुम फतह कर लो लेकिन जब दुनिया से जाना होगा तो खाली हाथ जाना होगा साथ में सिवाय कफ़न के कुछ भी नहीं होगा तो बहरहाल आगे लिखा है करेगा जो भी मीरास में कोता ही करेगा जो भी मीरास में के कोता ही कहता है पुरान है जहन्नम उसका ठिकाना कहता है पुरान है जहन्नम उसका ठिकाना कहाँ है ये आयत चौथे पारे में सुर नसा यूसी कोल्लफ़ी उलादि कम ये जो रुकू शुरू होता है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने कोई और बात बयान नहीं की सिर्फ और सिर्फ मीरास के मसाइल को बयान किया है और शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से की यूसी कुमुल्लाह, अल्लाह तुमको वसीयत करता है अल्लाह तुमको हुक्म देता है तो शुरू ही में लफ्ज़ अल्लाह ले आए कि ये हुक्म किसका है अल्लाह का है और जब किसको कितना देना है क्या देना है कैसे देना है उसको जब ख़त्म किया तो फिर वापस देखिए क़ुरान ने अंदाज़ क्या इख्तियार तिल का ये क्या है अल्लाह ताला की हदूद है अल्लाह ताला की बाउंड्री है और अमल करने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई कि वहीं यूते रसूल युद्ध जन्नात इन तजरी खालिदीन अफिया अजीम फरमाया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताद करेगा और ख़ास कर जिसका जिक्र चल रहा है क़ुरान जिसका तस्करा कर रहा है मीरास का तो फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह मीरास और विरासत के माल को तकसीम का हुक्म दिया है अगर कोई मुसलमान उसी तरीक पर मीरास के माल की तकसीम करेगा युद्ध जन्नातिन तजरीहार फरमाया कि अल्लाह तबारक वाला उसको ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि जिसके नीचे क्या बह रही होगी नहरें बह रही अज़ीम और जिसके हक में यह फैसला हो गया उसने बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया और आगे इस पे बस नहीं किया क्योंकि दुनिया में लोग दो किस्म के हैं मीरास और विरासत की तकसीम के मामले में कोई देता है कोई नहीं देता कोई देता है तो जितना देना चाहिए उतना नहीं देता जितना हक है तो जो देता है उनको फजीलत सुना दी बशारत सुना दी और जो उसके अंदर डंडी मारेगा तो अल्लाह ताला ने उनका क्या हशर होना है ये भी बता दिया कि वै यहाँ व रसूल कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफ़रमानी करेगा वायद हदूद हो और अल्लाह ताला ने जो हदूद और बाउंड्री को तकसीम किया है उसको क्या करेगा क्रॉस करेगा उसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो युद्ध खिल हु नारन ख़ालिदन फ़ीहा तो अल्लाह तबारक व ताला मीरास में डंडी मारने वालों को विरासत का माल सही तरह तकसीम न करने वालों को कुरान खुद कह रहा है कि जहन्नम में दाखिल करेगा और जहन्नम में दाखिल करेगा फिर क्या करेगा उनके साथ तो फरमाया वलहु आजाबुम महिन उनको यहां आमेज अजाब दिया जाएगा ये नहीं फरमाया सिर्फ़ कि अजाब दिया जाएगा बल्कि कैसा अजाब देखिए सज़ा आदमी को दो तरह दी जाती है एक मरतबा है एक इस तरह भी सज़ा दी जाती है कि भाई सिर्फ सज़ा दे दी लेकिन उसमें उसकी ज़िल्लत और इंसल्ट शामिल नहीं होती बस वैसे ही सजा दे दी कुछ लेकिन एक सज़ा इस तरह भी दी जाती है कि सज़ा तो है ही लेकिन साथ में उसकी क्या होती है जिल्लती होती, जिल्लत, इहानत, इंसल्ट तो कुरान यहाँ ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सिर्फ अजाब नहीं देगा मीराश में कोताही करने वालों को बल्कि कैसा अजाब देगा दर्दनाक और जिल्लत, आमेज़ अजब अल्लाह तबारक व ताला उनको देगा એખિ ભાઈ મીરાશ કી તકસીમ મેં કો ગડર સહી અમલ કબ નહી હોતા જ બહુ જ હા યાદ રાખો થોડા બહુ હો તો આદમી દેતા ઊતું હુને કી હું હે અબ્દુસલામ ભાઈ દેખે ઉતું ગયું હું એમ કે કઈ ઉતું બાપ દાદા બિચારા થોડો છોડી ગયા હોતા કે આપણે આપી દીધો પણ જ બહુ ડલો એકઠો થઈ લોને ત્યાં પછી પ્રોબ્લેમ ઉભા થાય એ માલ કી કસરત હોતી હમરે ઇલાકે કે એતબાર છ હાઉસ દસ હાઉસીસ હૈ ગન મિલિયનર બિલિયનર બન ગયા વો અમ નિરાસતી તકસીમ કરની હોગી વિરાસત કતની પેચીદિયા ચાર ફેક્ટરી કા માલિક મિક આઠ ફેક્ટરી કા મિક दस दुकान का मालिक है पंद्रह दुकान का मालिक है जहां माल की कसरत वहां झगड़े की कसरत माल अपने साथ दोनों चीज लेकर आता है माल के फवाइद भी है और नुकसानात भी है माल फी नफसी ही बुरी चीज नहीं है याद रखियो माल कमाना माल जमा करना और माल ये फी अब ही बुरी चीज़ नहीं है उसकी एक मोटी दलील आपको दूं अगर माल बुरी चीज़ होती तो शरीयत ये कहती कि भाई मरने से पहले आदमी उसको जला दे मरने से पहले आदमी जो उसके पास नकदी है कैश माल है उसको समुंदर में डाल दे उसको नदी में डाल दे उसको पानी में जो है बहा दे भाई मोहम्मद पग 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 लांबा न करो तो क्या है कि अगर ऐसा होता तो शरीयत क्या कहती कि जला दो माल को डाल दो समुंदर के अंदर पहले क्या होता था ये कुरान ने ये काम किया है है ये सॉरी ये बात बयान की है कुरान में माले गनीमत पहली उम्मतों के लिए हलाल नहीं था चौथे पारे में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि बिकुरबानिन ताकुल नार तो माल गनीमत को भी और क़ुरबानी के माल को भी कहाँ रख देना होता था पहाड़ की चोटी पर पहाड़ पर जाकर रख दिया जाता और अल्लाह ताला की तरफ से एक आग आती थी और आग आकर उस सारे माल को बसम कर देती थी ख़त्म कर देती ये कुरान कह रहा है तो समझ आया अगर माल बुरी चीज़ होती तो शरीयत ये कहती कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करो वैसे भी अब तुम्हें दुनिया से जाना है सारा माल क्या करके जाओ ख़त्म करके जाओ लेकिन शरीयत ने ये नहीं कहा बल्कि क्या कहा वो सुना बुखारी शरीफ की हदीस बिल्कुल सही हदीस जिसका मफहूम यह है मशहूर सहाबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में फूफा होते हैं। दूर के रिश्ते हज़रत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह मैं बताना ये चाहता हूँ शरीयत ने मीरास और विरासत का कानून रखा ही इसलिए है कि फी नफसी ही बुरी चीज़ नहीं है बल्कि शरीयत तरगीब देती है हमें कि हम क्या करके जाए अपनी औलाद के लिए बुखारी शरीफ की इस रिवायत में तरगीब है कि हम क्या करके जाए हज़रत साद बिन वक् रजी अल्लाह शादीशुदा थे छठे नंबर पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था और कहते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला तीर दुश्मन पर जिस शख्सियत ने जिस सहाबी ने चलाया वो कौन था हज़रत सात बिन वक्स रदी अल्लाह तब ये बीमार हो गए और इंतहाई बीमार शदीद बीमार हो गए और बाज़ मरतबा आदमी ख़ुद ये महसूस करने लगता है बीमारी में कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है वो ऐसा सोचता है कि भाई ऐसी सख्त बीमारी लायक हो गई है और मैं अब ऐसी कंडीशन और हालत में हूँ जिस्मानी एतबार से कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है तो हज़रत सात बिन वक् रजी अल्लाह तू भी जब बीमार हुए तो उन्होंने यही सोचा कि अब तो मेरा दुनिया से जाने का वक्त क्या हो गया है करीब हो गया है और अल्लाह ताला तूब मालो दौलत दे रखा था जो मालदार साहबा थे उनमें एक नाम हज़रत सात बिन वक्सा रजी अल्लाह तु का भी आता है और देखिए माल फिनब सी ही बुरी चीज़ होती तो वो साहाबी के जिसका शुमार किस में होता है अशर् मुबरा में हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ रजी अल्लाह तलाबर इतना माल था इतनी जायदाद थी उनके पास मा किताब में लिखते हैं उनको ही पता नहीं था कि अल्लाह ने उनको कितना दिया इतना माल इतनी जायदाद और अलग अलग मुल्कों में ये नहीं कि खाली मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में अलग अलग मुल्कों में उनकी अप, उनकी जायदाद थी प्रॉपर्टीज थी ज्यादातर उनकी प्रॉपर्टीज रखी हुई थी उन्होंने एक ये सहाबी और दूसरे सहाबी हैं जरत जुबे रजी अल्लाह ये दो सहाबी की दूसरे मुल्कों में भी प्रॉपर्टीज थी सिर्फ मकामी तौर पर नहीं अलग अलग मुल्कों में उन्होंने उन्हों प्रॉपर्टीज रखी हुई थी तो इतना माल अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तुम को दिया था कि उनको भी पता नहीं कि उनके पास कितना है आज कल जो बिल गेट्स का नाम लिया जाता है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है बिल गेट्स भी उसकी मालियत भी जो है मिलकियत भी कुछ नहीं उतना अल्लाह ताला ने तजरत रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह तुक को दिया हुआ था तो खैर हज़रत साद बिन वक् रदी अल्लाह तु बीमार हुए तो उन्होंने आप सल्ला वसलम को बुला भेजा कि मैं तो इस हालत में हूँ नहीं मेरे जिसम में मेरी बॉडी में इतनी ताकत इतनी क़वत इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आका की ख़िदमत में हाजिर हो सकूँ लिहाजा आका को बुला भेजा बुलावा भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और देखा कि साद काफी बीमार है रदी अल्लाह तन अब वारिसीन में हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह अनु के सिर्फ एक बेटी थी और कोई औलाद नहीं और कोई वारिसीन नहीं वारिसीन में सिर्फ एक बेटी तो हज़रत साद सादिन वक् रदी अल्लाह तू ने आप से इजाज़त चाही हज़रत नबी भी थे मुफ्ती भी थे तो गोया के मसला पूछा फ़तवा चाहा हज़रत से कि मेरे इस मौखिक फतवे पर हज़रत की ज़ुबानी महल लग जाए एक तो तहरीरी मसला होता है उस पर मुफ्ती साहब क्या करते हैं जो हैं वो महल लगाते हैं तो ये मौखिक के मुंह से जो हैं वो मसला पूछ रहे हैं फतवा गोया के उस हुजूर की ज़ुबानी जो है वो महल लग जाए तो हज़रत साद बिन वक्ली अल्लाह तु ने फरमाया मफहमूम यह है कि हुजूर वारिसीन में मेरी सिर्फ़ एक बेटी है और कोई नहीं है और अल्लाह ताला ने माशा मुझे काफ़ी मालो दौलत दे रखा है मैं चाहता हूं कि आधा माल मैं बेटी के लिए रखूं और आधा माल क्या कर दूँ अल्लाह के रास्ते में दे दूँ उसको मैं कुर्बान कर दूं। देखिए शरीयत आधे की नहीं पहले तो ये कहा कि सारा माल पहले ये कहा कि सारा माल जो है वो मैं राह खुदा में दे दूं कि एक ही तो बेटी है उसको क्या चाहिए तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं तो फिर उन्होंने इजाज़त तलब की कि भाई आधा माल यहाँ रुक कर एक मसला समझो उलमा ने लिखा है बाज़ महतमी बाज़ मदरसे के ज़िम्मेदार बाज हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार यतीम ख़ाने के जिम्मेदार जो हैं जो दीन का इल्म रखते हो वो नहीं जो नहीं रखते उनको भी जानने की ज़रूरत है कि जब आप कोई कोईदा कबूल करो तो आपको मसाइल मालूम होने चाहिए ऐसे तो इस हदीस की रोशनी में लिखा है कि मरने वाला अपनी ज़िंदगी में मरजुल मौत से पहले मरजुल मौत का तो फिर मसला अलग है किसी मदरसे के ताल्लुक़ से वसीयत करना चाहे या वक्फ करना चाहे वसीयत नहीं वक़फ़ करना चाहे किसी हॉस्पिटल को वक़फ़ करना चाहे या किसी हाईस्कूल को जो है वो वक़फ़ करना चाहे किसी को भी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दे रखा है और उसके वारिसीन भी मौजूद हो तो क्या कहा कि भाई मेरा सारा माल फला मदरसे को मेरा सा, मेरा सारा माल फला मरकज़ को मेरा सारा सारा माल फला अस्पताल को मेरा सारा माल फला यतीम खाने को तो अब जो ज़िम्मेदार होते हैं उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि माशाल्लाह ये तो बड़े दीनदार आदमी है और ये तो अपनी सारी जायदाद कुल जायदाद जो हैं वो किसके नाम करने जा रहे हैं अस्पताल के मदरसे के मस्जिद के हैं मरकज के यतीम खाने के हालांकि उसके वारिसीन मौजूद है फरमाया नहीं दलील हुजूर का ये फतवा जो बुखारी शरीफ में हुजूर ने मना किया कि नहीं तुम सारा माल नहीं दे सकते तो फिर हजरत साद बिन वक्ली अल्लाह ने फरमाया कि आधा माल क्या आधा बेटी के लिए छोड़ जाऊं और आधा राह खुदा में खर्च कर दूँ। हजून ने अब भी मना फरमाया कि नहीं तो फिर उन्होंने और कम किया कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना एक तिहाई माल राह खुदा में खर्च कर दू गए वन थर्ड सौ है अगर मान लो सौ पाउंड तो तैतीस पाउंड और ऊपर कुछ और बाकी के जो बचते हैं सिक्सटी सेवन समथिंग तो वो किसके लिए बेटी के लिए लेकिन बुखारी शरीफ के अल्फाज है इसीलिए बू हनीफाए वक्त दारलम देवबंद के सरपरस्तों में से एक हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगो ही रहा आल की राय इस मसले में कुछ अलग थी हजूर के अल्फाज की वजह से वो क्या वो सुने आ गया जब हजरत साद बिन वक् रजी अल्लाह तहु ने इजाज़त तलब की कि मैं अपना वन थर्ड यह राय खुदा में खर्च कर दूँ और बाकी जो बाल बचता है अपनी बेटी के लिए छोड़ जाऊँ तो उस पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि के ठीक है लेकिन ये भी ज्यादा है दो बातें कही इजाजत तो दे दी कि ठीक है वन थर्ड राय खुदा में दे दो लेकिन फौरन साथ में एक जुमला बढ़ाया कि ये भी क्या है ज्यादा है इसलिए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमत फरमाते थे कि हुजूर की मंशा हुजूर की चाहत इस जुमले से ये पता चलती है कि मरने वाला अपने माल में वसीयत वन थर्ड से कुछ कम करे वैसे शर्न वन थर्ड में जायज है चूंकि हुजूर ने इजाजत दे दी ना इजाज़त तो दे दी लेकिन साथ में क्या कहा कि ये भी ज्यादा है तो अगर कोई वन थर्ड में मरने वाला वसीयत करना चाहे कर सकता है गुनेगार नहीं है लेकिन यह हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रमतल की उनकी अपनी राय थी फतवा नहीं बल्कि उनकी अपनी राय थी कि हुजूर के अल्फाज पे गौर करो हुजूर की चाहत ये थी कि सात बिन वक् रजी अल्लाह तु थर्ड से भी कम वसीयत करें मैं फिर कहूँ ताकि आपको गलत फहमी ना हो आप आप बोलना मैं जुमला अधूरा छोड़ूंगा मरने वाला वन थर्ड में वसीयत करना चाहे कर सकता है जजाकल्ला हाँ यही मसला है कि कर सकता है लेकिन बेहतर ये है कि वन थर्ड से कुछ कम करे वन थर्ड से कुछ कम जो है वो कर दे ये बेहतर है क्योंकि हुजूर की चाहत ये मालूम होती है अब आगे सुनो दरअसल ये भी आपको सुनाना था हुजूर ने फिर एक अजीब बात बयान फरमाई बुखारी शरीफ में है मफूम यह है कि तुम अपने इंतकाल के बाद अपने वारिसीन के लिए माल छोड़कर मरो बेहतर है उससे કે તુમ આપને મરને કે બાદ આપને વારિસીન કો તંગ દોડ કે મરો તંગ હે ના દો લે તંગ ગુજરાતી બોલતી હે ભાઈ મેરા તંગી છે કડકી છે હે તો તંગી તો એ તંગ તંગી કે જરા કડકી ચાલતી છે માણસ સિગરેટ પીતો હોય કાંઈ ને પછી બીડી પર આવી જાય કે આજે બીડી કે કરી કરીએ તંગી છે એમ કે ગજુ જરા હલકું છે હમણાં ઇબ્રામભાઈ ગજુ જરા તો કે હલકું છે હમણાં એમ કહે કે તો હવે આપણે બીડી પીવું પડે પછી સિગરેટ નહીં ચાલે આપણે આપણે તો તંગ ઓર દસ્ત દસ્ત એ ફારસી કાલવ એ હાથ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે જેટલી ચાદર હોય પગ એટલા લાંબા કરવાના ને કહે કે પગાર ઓછો હોય તો ઘર ચલાવવા વાળી ઘર તો ઘરવાળી જ ચલાવે તો ક્યારે થઈ રહી કે જ્યારે એનો હથ તંગ હોય ગુજરાતીમાં શું કે ઘરવારીનો હથ તંગ હોય તો એ તંગ દસ કા તરજમા હથ તંગ હોય કે મોકો મહલ જોઈને જે છે તે ઇસ્તમાલ કરે બહાર હાલ તો તંગ દસ છોડ કર હુઝૂરને ફરમાયા કે મત જાઓ વરના વારિસીન કે લી કુછ છોડ કે નહીં જાઓગે ના કેશ રકમ છોડી ના ફ્લેટ છોડા ના મકાન છોડા ન કોઈ પ્લાટ છોડા ના કોઈ દુકાન છોડી ના કોઈ જાયદાદ છોડી તો વારસિંહ હમરેતાદ ફરમા યું સોચેગે કે મર ગયા મરદૂત ના ફાતિહા ન દરુદ હે અહમદભાઈ મર ગયા મરદૂત કે ન ફાતિહા ન દરુદ કે આપણે નુરાનીભાઈ પડીને ત્યારે બક્ષે કે જ્યારે આપણા સારું કંઈ નૂર છોડીને ગયેલા હોય હે તે કે છોડીને જ નહીં ગયા ત્યાં એને પડીને શું કરવાના એ જાણે એની ખબર એની આખી જ જાણે એમ કે હે હા ઇસલે હુઝૂરને ફરમાયા કે છોડ કે જાઓ છોડ કે જાઓ કુછ મસ્જિદ કો મત દે દો કુછ મદરસે કો મત દે દો કુછ હોસ્પિટલ કો મત દે દો સબક યતીમ ખાને કો મત દે દો सब कुछ किसी कॉलेज को इस्लामिक मुस्लिम जो भी हो उसको मत दे दो अपने वारिसन के लिए भी कुछ ना कुछ क्या करो छोड़ के जाओ हुज़ूर फरमा रहा है हालांकि वहाँ वारिसीन में हज़रत साद बिन की सिर्फ क्या है एक ही बेटी थी इसलिए जिम्मेदारों को भी चाहिए कि कोई बेचारा मसले से नावाकिफ़ हो तो और वो सब कुछ देना चाहे मरने से पहले और सब कुछ दे देना चाहे वारिसीन हो तो ऐसा नहीं करना चाहे मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे गांव में अभी हुआ दिल खून के आंसू रोता है जमीन के भाव जब आसमान को छूने लगे हमारी तरफ तो अल्लाह ताला ने एक साहिब को बहुत दिया बहुत दिया उनको पहले उनके पास इतना नहीं था तो हमारे यहाँ मुहावरा है ना कि अल्लाह ताला दे तो છપ્પડ ફારીને દે હે ભાઈ તો એક સાહેબ કહે લગે કે હવે તો આરસી ના બંગલા હવે કાંથી દે તો હવે છપ્પડ કાંથી ફાટવાનું તો બહાર હાલ અલ્લા ત્યાં દિલ દયા હુઆ કે બંદા ખર્ચ કરતા રહ કરતા રહ કરતા રહકે સગે ભાઈ બહેન તંદકીર कल्लाश उनको खुद ज़रूरत लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और देता ही रहा खैर के कामों में और शायद कोई जिम्मेदारों में से भी उसको नहीं मिला होगा जो समझाए कि इस तरह तकसीम नहीं किया जाता पहले किसका हक़ है सुनो यहाँ एक बात एक मसला लोग इसमें ग़लत फहमी के शिकार है मिशका शरीफ की रिवायत है जिसका मफहम यह है कि आदमी अपनी बीवी पे ख़र्च करे यह भी नफ़ली सदका है आदमी अपने बेटों पे ख़र्च करे यानी जायज़ कामों में वो भी नफली सदका है आदमी अपने माँ बाप पर खर्च करे ये भी नफली सदका है लेकिन मैं और आप नफली सदका किसको समझते हैं भाई मस्जिद में दिया तो नफली सदका मदरसे में दिया तो नफली सदका फ़ला को जो है गरीब को दिया तो नफली सदका फरमाया कि शुरुआत अपने घर से करो शुरुआत कहाँ से करो अपने जो है वो घर से करो हाँ मस्जिद ज़रूरतमंद है मदरसा है कोई और हंगामी ज़रूरत दरपेश अलग मसला है वरना हजूर ने हमें बताया कि ये भी जो है नफली सदका इसलिए एक मसला याद रखो घर के अंदर हमने जो मनी बॉक्स रख छोड़ा होता है जो गल्ला और डिब्बा होता है उसके अंदर आपने आदमी जो नफली सदका डालता है ना तो वो आदमी अपने माँ बाप को भी देना चाहे तो दे सकता है शोहर का अपना अलग मनी बॉक्स है गल्ला है बीवी का अलग है बीवी शोहर को देना चाहे तो दे सकती है शोहर बीवी को देना चाहे तो दे सकती है પણ તમે ઘી ધોરાયું ધોરાવ ને ખીચડીમાં જેવું ન કરતા હોય આગળ હેં તેઓ કહેદ પાછા નહીં તો કે આજે માલસામે બહુ સારો મસલો બતાવ્યો હવે કોઈને દેવાનું જ નહીં આપણે હેં આપસમાં જ એક્સચેન્જ કરા કરવા હેં બતાને કા મકસદ એ નહીં હોતા ફરમાં સમજ આવે કે નહીં લેકિન પહેલે અપનો કા હક ગુજરાતીમાં હું કે ઘરનો ઘંટી ચાટ ક્યાં એસા કુછ ઇનકો બી કુછ માલુમ નહીં હે કે હા કે ઘરનો पता नहीं वो कहवत है कि घर नो घंटी चाटे ना बार-बार वो लोट खाई इनो मतलब है कि भाई आपने जरा फिर हूँ करता है नुरानी भाई हाथ से वो जो घंटी थी तो वो आटा जो है तैयार होता था तो गोया के आटा किसको दे दिया बार बाहर वालों को जो रिश्तेदार नहीं है हैं नजीर भाई और बेचारे घर वालों को क्या है उसी में जो आटा लगा है वही चाटने की जो है बारी आई हाँ तो ये जो है कहावत का मकसद है तो ये भी जो है नफली सदका है जक़ात में भी शरीयत ने यही कहा कि पहले अगर तुम्हारे रिश्तेदार Zakat के हकदार है तो पहले किसको दो रिश्तेदारों को दो और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तेदारों को दो हुजूर ने तरगीब इस तरह दी कि डबल सवाब एक तो Zakat की अदायगी का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब हज़रत उमर उमरदी अल्लाह तैाल के हालात में लिखा है कि वो अपनी ज़क़़़्त पहले अपने ग़रीब रिश्तेदारों को देते दे थे किसी ने उसकी वजह पूछी हज़रत उमर उमरदी अल्लाह तन से तो हज़रत ने फरमाया जिसका मफहम यह है कि मेरे आका का इर्शाद है कि इसमें डबल सवाब है इसलिए मैं पहले उनको जो है वह देता बहरहाल तो यही उसी यहाँ भी अपनाया गया कि आदमी जो अपना माल व जायदाद उसने इख्तियार उसने जो है जमा किया है उसके पास है तो सब कुछ कुर्बान न कर दे बल्कि वारिसन के लिए भी क्या करे छोड़ के जो है वो जाए और देना चाहे तो देखिए जिंदगी में तो जो भी देना चाहे दे सकता है लेकिन मरने के बाद वन थर्ड है ये जो वन थर्ड मैंने बताया ना ये मरने के बाद है वरना जिंदगी में आदमी का अपना जो है वो माल है बहरहाल बात यहाँ से शुरू हुई थी पांच मिनट में इंशाल्लाह खत्म करते हैं कि माल फी नफसी ही बुरी चीज़ नहीं है और इसको एक मिसाल से समझाया करते थे इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह रहमत हजरत फरमाते थे दुनिया में मुख्तलिफ करेंसी मुख्तलिफ़ नामों से मंसूब है यहाँ की जो करेंसी है क्या नाम है पाउंड इंडिया में रुपया है इसी तरह एक है दिरहम और दूसरा है दीनार तो दीनार तो हजरत मौलाना कासिम नानोती रमत फरमाते थे कि माल में जो दोनों चीजें हैं वो इसमें आ गई कि माल से आदमी जन्नत भी कमा सकता है और माल से आदमी जहन्नम भी कमा सकता है क्यों तौर पर माल फिरत लेकर आता है अयाशी जो है वो लेकर आता है माल आम तौर पर इसीलिए हुजूर की दुआओं में से एक दुआ ये है कि माल के शर और माल के फितने से अल्लाह हमारी क्या कीजिए हो हिफाजत कीजिए हुजूर ने सिखाया क्यों सिखाया कि माल के शर माल का फितना पता चला कि माल शर की चीज भी है पता चला माल फितने की चीज भी है बल्कि एक हदीस में हुजूर ने फरमाया इन्ना लिकुल्ली फरमायान फितना व फितनतु उम्मती अलमाल कमाकाल आलातसलाम फ फरमाया हुजून ने मफहूम है कि हर उम्मत के लिए फितने की चीज है और मेरी उम्मत के लिए फितने की चीज माल है और कहावत मशहूर है कि तीन चीजें झगड़े का और लड़ाई का और फसाद का सबब बनती है और तीनों का पहला लेटर जा है अली बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा ज़ा ये ज़ा कौन सी जन औरत ज़मीन प्रॉपर्टी और ज़र सोना कैश ये माल असल में क्या है सोना ही तो है ना हाँ माल जो है वो असल में सोना ही है तो ये तीन चीज़ें इसलिए हुजूर ने इससे जो है वो पनाह भी चाहिए लेकिन माल खैर का भी ज़रिया है मा ने लिखा है बड़ी पते की चीज है फरमाया कि माल की हैसियत इंसान के लिए ऐसी है जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी जिस्म में एक कीमती उज जो है वो क्या है रीढ़ की हड्डी है और यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला जो दो दोबारा इंसान को मिट्टी हो जाएंगे और उठाएंगे तो कहां से इसी रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल किया जाए इसी रीढ़ की हड्डी को और बोला जाता है ना बाज मतबा किसी का कारोबार चलता है या कोई काम बहुत अच्छा चलता है कोई हासिद हो बुरा चाहने वाला हो वो उसके खिलाफ प्रोपेगंडा करता है तरकीबें करता है और उसे आसमान पे से जमीन पे ला देता है तो क्या कहते हैं कि फलाना है फलाणा नी रीढ़ी हड्डी तोड़ी नहीं क्यों तो रीढ़ की हड्डी था तो ये रीढ़ की हड्डी तो माल रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती उससे आगे आपको कुरान से मिसाल दो अल्लाह अकबर है कुरान ने क्या कहा निसा पांचवी आयत आयत नंबर चौथा पारा वला तुस्फहाती जाकुम अल्लाह ताला ने दो चीजों को कुरान करीम में इस दुनिया की बका का सबब बताया है क्या बताया कि ये दुनिया उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक दो चीजें कायम रहेगी ये कुरान कह रहा है वरना ये दुनिया फना हो जाएगी ये दुनिया खत्म हो जाएगी क्यामल कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया लिन्नास के लोगों की बका का जरिया है दो चीजें कौन सी दो चीजें पहली चीज़ सातवा पारा सुर माइदा, सुर माइदा के अंदर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नंबर है नाइन्टी सेवन उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाहुल काबत बल हरामास क्या मतलब के क़ाबतुल्ला जब तक दुनिया में कायम रहेगा और उसका अदब करने वाले लिहाज करने वाले लोग मौजूद रहेंगे ये दुनिया कायम रहेगी जहाँ काबतुल्ला को ख़त्म कर दिया गया वहीं पर ये दुनिया भी क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी तो गोया दुनिया का दारो मदार और दुनिया की बाकी रहने का सबब बका का ज़रिया क्या है काबतुल्ल कुरान कह रहा है

चाहे वो तुम्हारी औलाद है चाहे वो तुम्हारा शौहर है चाहे वो तुम्हारी बीवी है चाहे वो तुम्हारा वर्कर है चाहे कोई है वो तो उनके हाथों में मत दो कि जो तुम्हारे मालों को उनके नहीं माल तुम्हारा तुमने उन लोगों के हाथ में दे दिया चाहे रिश्ते में वो कोई लगते हो तुम्हारे लेकिन उनकी आदत बिला वजह बिला ज़रूरत माल को जाये करने की है तो ए इंसानों ए मुसलमानों अपना माल उनको मत दो चाहे वो बेटा है बेटी है बीवी है शोहर है वर्कर है कोई है क्यों क़ियामा ये माल ऐसी चीज है अल्लाह फरमाते हैं कि उस पर मैंने तुम्हारा गुजरान रखा क्या रखा है गुजरान गुजरान तो चल સમજતે ના મેં બસાન તર્જમા એક માણસ કામ નહી કરતો હોય ને પૂછે કે ભાઈ તારું ગુજરાન હા નાથી ચાલે ભાઈ મારા પાસે પ્રોપર્ટી છે એક દુકાન છે ઘર છે ભળવા આવે એનાથી મારું હું ચાલે ગુજરાન ચાલે હેબ્રાહીમ તો એ ગુજરાન તો કુરનને માલ કી અમીય બતા કે એસે કે હાથો મે મત દો લફ્ હૈ સુફાહા કા અસલ માના હોતા બેવકૂફ लेकिन मैंने बेवकूफ़ तर्जमा नहीं किया कि कहीं किसी को बुरा लग जाए हैं तो इसलिए भाई ऐसा आदमी जो बिला ज़रूरत बिला वजह माल खर्च करेगा उसको क्या कहेंगे शरीयत उसको बेवकूफ़ कह रही है मैं नहीं अल्लाह बेवकूफ़ कह रहा इसलिए मैंने ज़रा महजब तर्जमा किया तो फरमाया कि ये माल गुजरान का सबब है दूसरी मिसाल ने दी माल की जैसे इंसानी जिसम में खून की ज़रूरत होती है इसी तरह इंसानी ज़िंदगी समाज और सोसाइटी में किसकी ज़रूरत होती है माल की जो है वो ज़रूरत होती है बहरहाल ये आज तमहीद हुई मुझे बताना है मुझे मीरास पे आना था लेकिन ये तमहीद है कि शरीयत बताना ये था कि माल बुरी चीज़ नहीं है इसलिए वारिसीन को ये कहाँ कि मरने के बाद अपने वारिसीन के लिए क्या छोड़ कर जाओ माल छोड़ कर जाओ लेकिन सिर्फ माल छोड़ के ना जाओ दीन भी छोड़ के जाओ वरना माल छोड़ के गए वो तुम्हारे माल को कमाए हुए गलत कामों में खर्च करेगा तो तुम भी जो है वो गुनहगार जो हैं वो होंगे इसलिए फरमाया है कि माल दीनार दीन नार इसको लिखना दीन नार नार यानी जहन्नम दीन जन्नत का सबब है तो माल अच्छी जगह खर्च हुआ तो जन्नत और बुरी जगह हुआ तो जहन्नम मीराश में वारिसन को माल उनका हक दे दिया तो जन्नत और अगर नहीं दिया तो कोई सुसरा आगे नहीं बोलेगा हैं मैं बोलता हैं नार और जहन्नम अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए सुबहानल्लाह अल्लाह भी हम दे अल्लाह भी हम देख न चलो अल्ला इला